हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गीतास बायोलॉजी। आम आज डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट्र सेकेंड पार्ट पढ़ापाई जावा जो थे कि आम प्रीवियस वीडियो रे आम कौ पार्ट पढ़ी थे ना आम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पर्यंत पढ़ाई थे जो थे कि आमको पोलन ग्रेन पाई जो पोलन ग्रेन हैप्लॉयड थिला। तो नेक्स्ट आम देखा कि डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट्र सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट कौन कहूँ ना फास्ट जिन आसला कि माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन जोटा कि कौन कही ना टूवेन नंबर और हैप्लॉयड जोटा कि कौन थी ना हैप्लॉयड थी। तो ता विषय से कौन कहूँ ना टिपिकाली तो माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन इज ए हैप्लॉयड यूनिसेलुलर बॉडी विथ ए सिंगल न्यूक्लियस। इट्स तीन टा इनफॉरमेशन तुमको देला। फास्ट जिन पोलन ग्रेन विषय कौन कहला ना से हैप्लॉयड देन से यूनिसेलुलर एंड सिंगल न्यूक्लियस। द मैच्योर माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन मे बी ओवल एलिप्सिडल ट्रायंगुलर और लूप्ड और इवन क्रिसेंट शेप भी होता। द माइक्रोस्पोर हाज ए वेल डिफाइंड टू लेयर वॉल। सेकेंड इंपोर्टेंट थिंग से कौन कहूँ ना माइक्रोस्पोर हाज ए वेल डिफाइंड टू लेयर वॉल कंसिस्टिंग करुची जे कि आउटर थिक एक्साइन एंड इनर थिक इंटाइन। फर्स्ट जिन कौन जानले ना पोलन ग्रेन इज ए हैप्लॉयड यूनिसेलुलर बॉडी एंड ए सिंगल सेल जार डिफरेंट टाइप र शेप देखा जाए। तो नेक्स्ट से कौन कहूँ से नॉर्मली टू लेयर ही था। आउटर लेयर इज कॉल्ड एक्साइन एंड इनर लेयर इज कॉल्ड इंटाइन। एक्साइन थिक ही था और इंटाइन थिन ही था। द इंटाइन सराउंड्स द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को जे सराउंड करछि दैट इज कॉल्ड इंटाइन। द आउटर एक्साइन मे हैव स्पाइन्स रिज और फोरो व्हिच मे बी वेरी इन डिफरेंट स्पेसीज। किसी स्पेसीज देख जो मैं पाखे स्पाइन थी ना रिजेस थी ना फोरोज थी स्पेसीज टू स्पेसीज डिफरेंट अच्छे। सो द एक्साइन इज आइदर स्कल्पचर्ड और स्मूथ। द एक्साइन इज चीपली कंपोज्ड ऑफ स्पोरोपोलेलिन। ए पॉइंट को मार्क कर बहुत टाइम तुम क्वेश्चन आसे एक्साइन इज चीपली कंपोज्ड ऑफ ए स्पोरोपोलेलिन। स्पोरोपोलेलिन कौन ना ए सब्सटेंस कंसीडर्ड टू बी ए ऑक्सीडेटिव पॉलीमर ऑफ कैरोटीनॉइड और कैरोटीनॉइड एस्टर। कौन कहूँ कौन कंसिस्ट कर ऑक्सीडेटिव पॉलीमर ऑफ कैरोटीनॉइड और आउ कौन कह जाए ना कैरोटीनॉइड एस्टर बोली कहा जाए। नेक्स्ट पॉइंट रे कौन कहूँ ना स्पोरोपोलेलिन इज ए टॉट सब्सटेंस प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल डिपोजिशन एंड चेक्स नेचुरल डीके और पोलन ग्रेन। क्या ना पोलन ग्रेन को नेचुरल डीके प्रोसेस को अपोज करुची वा प्रिभेन्ट करुची जे कि कौन प्रोवाइड करुची ना रेजिस्टेंस। स्पोरोपोलेलिन भी केबे केबे तुम्हार शॉर्ट नोट्स पड़ जाए। पोलन ग्रेन भी केबे केबे तुम्हार शॉर्ट नोट्स रे आसी जाउछ। स्पोरोपोलेलिन रे फर्स्ट कौन जान लो ना इटा कहा को नेकी कंपोज रही देन तार फंक्शन कौन ना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करछे देन आउ कौन करछे ना नेचुरल डीके को भी हेल्प करछे। नेक्स्ट आउ गोटे तुम शॉर्ट नोट्स अच्छी जोटा कि पोलन किट। पोलन किट आउ गोटे शॉर्ट नोट्स द पोलन किट कौन कहूँ ता विषय जानवा। ए पार्ट्रे भी तुमको शॉर्ट क्वेश्चन भी आसी पार। इन इनसेक्ट पॉलिनेटेड को माने ना इनसेक्ट पॉलिनेटेड जो मान को कहा जाए एंटेमोफिली। इनसेक्ट पॉलिनेटेड पोलन ग्रेन्स द एक्साइन इज कवर्ड बाय ए येलोइश विस्कस एंड स्टिकी सब्सटेंस कॉल्ड पोलन किट व्हिच एमिट्स स्मेल। द डेफिनाइट फंक्शन ऑफ पोलन किट इज नॉट नोन बट इट इज बिलीव दैट इट हेल्प्स इन अट्रैक्टिंग इनसेक्ट्स एंड प्रोटेक्ट द पोलन फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन।
से कौन कहुची यार हेल्प कौन ना अट्रैक्टिंग इनसेक्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स द पोलेन फ्रॉम अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन। ये थिला कहा विषय रे ना पोलेन ग्रेन्स विषय रे। नेक्स्ट से पोलेन ग्रेन रो स्ट्रक्चर दीची कि माइक्रोस्पोर मदर सेल जी कि टू न्यूक्लियाई देन डिवाइड से माने डिविजन करछन्त केमती इट इज साइमल्टेनियस डिविजन ऑफ साइटोप्लाज्म इन माइक्रोस्पोर मदर सेल। से साइमल्टेनियसली साइटोप्लाज्म डिविजन करुची देन से कौन देखी फर्स्ट डिविजन होची दुईटा टू न्यूक्लियाई आफ्टर मेयोसिस वन देन फोर न्यूक्लियाई मेयोसिस टू पर से तुमको सामने वन टू थ्री आ गए बेक्साइट अच्छे जोटा कि कौन कहा जाए ना टेट्राहेड्रल टेट्राल बोले कहा जाए। माइक्रोस्पोर मदर सेल टू एन एंड माइक्रोस्पोर दैट इज एन दैट डेवलपमेंट ऑफ पोलेन ग्रेन। नेक्स्ट कौन अच्छे देखा तो नेक्स्ट तुमको कौन देना गोटे स्ट्रक्चर ऑफ पोलेन ग्रेन दे न्यूक्लियस डिवाइड इनटू टू किंतु आमे फर्स्ट देखिबा कि गोटे पोलेन ग्रेन रो स्ट्रक्चर। तो पोलेन ग्रेन रो स्ट्रक्चर जदि देखिबो फर्स्ट जिनस कौन थी ना से टू लेयर थी एटा कौन ना इनर वाल जोड़ा को कौन कहा जाए ना इंटाइन देन आउटर वाल दैट इज कॉल्ड एक्साइन दैट इज कॉल्ड एक्साइन देन ए मिडिल पार्ट को कहा जाए जम पोर कौन कहा जाए ना जम पोर देन सेंटर रे कौन प्रेजेंट अच्छी सेंटर रे प्रेजेंट अच्छी न्यूक्लियस दैट इज कॉल्ड एक्साइन एंड इंटाइन एंड जम पोर और सेंटर रे कौन अच्छी ना न्यूक्लियस सिंगल न्यूक्लियस किंतु ये स्ट्रक्चर देखी पोलेन ग्रेन ए न्यूक्लियस डिवाइड इनटू टू सेल। तो सीटा को आम देखा फर्स्ट ए पार्ट को इरेज करद ए पार्ट्रे से कौन कहे ना फर्स्ट जिनस कहे कि द इंटाइन इज कंपोज्ड ऑफ पेक्टिन एंड सेलुलोज ये आ गोटे इम्पोर्टाट जोटा कि सर्ट क्वेश्चन इम्पोर्टाट फर्स्ट जिनस एक्साइन कंपोज्ड ऑफ स्पोरोपोलेलिन के पोलेन किट को पाखे ना इनसेक्ट पोलिनेटेड पाखे था देन इंटाइन कंपोज्ड ऑफ पेक्टिन एंड सेलुलोज इंटाइन इज यूजुअली थिकर नियर द जम पोर एंड एट दिस पॉइंट्स ऑल्सो कंटेन्स एंजाइमेटिक प्रोटीन साइटोप्लाज्म बिलो द इंटाइन कंटेन्स डिक्टियोसोम माइट्रोकॉन्ड्रिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिच स्टार्च कंटेंट एंड अनसैचुरेटेड ऑयल। पोलेन ग्रेन्स आर डेंसली साइटोप्लाज्मिक एज लॉन्ग एज दे आर इन टेट्राड कंडीशन जितेबले नॉर्मली से टेट्राड कंडीशन रे थांती छतबले कोन थाए ना डेंस साइटोप्लाज्म थाए लेटर ऑन व्हेन दे बिकम्स फ्री फ्रॉम टेट्राड कंडीशन देयर साइटोप्लाज्म बिकम्स कंसिडरेबली एनलार्ज एंड हाइली वेकुलेटेड हो जाए। से टेट्राड कंडीशन कहे मीनस ये विषय में कहे ये टेट्राड कंडीशन ये कंडीशन से पाखे डेन्स साइटोप्लाज्म थाए। नेक्स्ट पाराग्राफ कौन कहे आट सर्टेन प्लेस द एक्साइन रिमेन्स थीन गोटे सर्टेन प्लेस अच्छी जो थे कि जोटा कि मुझे कही सारी अलरेडी जम पोर दिस एरियाज आर कॉल्ड जम पोर यार मेन फंक्शन कौन ना थ्रो वन जम पोर व्हिच द इंटाइन प्रोट्रूड्यूस आउटसाइड एंड फॉर्म पोलेन ट्यूब। पोलेन ट्यूब कौन तो आगे देखा तो जम पोर मेनली हेल्प्स टू प्रोट्रूड्यूस आउटसाइड एंड फॉर्म ए पोलेन ट्यूब। इट्स गोटे स्ट्रक्चर ऑफ पोलेन ग्रेन स्ट्रक्चर देखे जो थे कि इंटाइन देखे तर आउ गोटे जिनस अच्छे कि तुम्हें एक्साइन फर्दर डिवाइड इनटू एक्जो एक्टाइन एंड एंडो एक्साइन तो सेटा ही तुमको देखिए कौन देखिए ना एक्जो एंटाइन एंड एंडो एक्टाइन देखिए।
नेक्स्ट जो सेंटर और न्यूक्लियस डिवाइड इंटू टू सेल दैट इज कॉल्ड जेनरेटिव न्यूक्लियस एंड वेजिटेटिव न्यूक्लियस. नमल वेजिटेटिव न्यूक्लियस लार्जर देन द जेनरेटिव न्यूक्लियस. ए टू सेल स्टेज, इस स्टेज को कौन कहा जाए ना टू सेल्ड स्टेज. तो ये टू सेल स्टेज रही दिहिसेंस ऑफ एंथर हुए और पोलन ग्रेन रिलीज आउट एंथर रिलीज आउट हो को पार्ट रू रिलीज आउट हो स्टोमियम जोटा कि तुमको आगर मेच्योर एंथर स्ट्रक्चर देखे थी. नेक्स्ट पाराग्राफ कौन कौन ना स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन इज नोन पालिनोलॉजी. द पोलन ग्रेन ऑफ फर्दर डेवलपमेंट फॉर्म्स ए मेल गेमेटोफाइट. देन पोलन ग्रेन नेक्स्ट डेवलपमेंट परे कौन दौर आम को एक्चुअली रे मेल गेमेटोफाइट दौर. द फॉर्मेशन ऑफ मेल गेमेटोफाइट, तो ये आम जानवा कि पोलिनेशन पूर्वर मीन्स आंथर भितर केते पर्यंत फॉर्मेशन होची, देन आंथर रु जाए कि जितेबले स्टिग्मा उपरे पड़ुची बा पोलिनेशन प्रोसेस रे से जाए कि पड़ुची कोडि स्टिग्मा उपरे, देन जो फर्दर डेवलपमेंट होची ताकू आमे देखिबा. तो सेतिपे आमे कोन कहि परिबा ना फॉर्मेशन ऑफ मेल गेमेटोफाइट डिवाइड्स इनटू टू प्रोसेस बा टू स्टेज भी कहि परिबा जो कि प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट. तो फर्स्ट आमे कोन पढ़िबा ना प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट. नेक्स्ट आमे पढ़िबा पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट. फास्ट आम जानवा कि प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट कौन हो. तो फास्ट से कौन कहे ना द डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट इज मोर और लेस यूनिफॉर्म इन एंजियोस्पर्म. इट मे स्टार्ट इन पोलन ग्रेन्स फाइल स्टिल विद इन द माइक्रोस्पोरांजियम और पोलन सैक. पोलन ग्रेन मे बी डेवलपमेंट कितने बड़े स्टार्ट हो ना जितेबले से माइक्रोस्पोरांजियम और पोलन सैक रे प्रेजेंट अछि. बिफोर द सेल डिवीजन द न्यूक्लियस ऑफ माइक्रोस्पोर माइग्रेट्स फ्रॉम द सेंटर टू द पेरिफेरी. कोठे को ना पेरिफेरी को. देन मे वैक्यूल्स अपीयर इन बिटवीन द न्यूक्लियस. द वॉल ऑफ द माइक्रोस्पोर undergoes only two mitotic division. ए जिनस को मार्क कर तो माइक्रोस्पोर जो डेवलपमेंट करुच्छे only two mitotic division करुच्छे. कौन करुच्छे ना two mitotic division. The first mitotic division leads to formation of a bigger vegetative cell. It is also called as tube nucleus or tube cell. इट ऑल्सो नोन आज ट्यूब न्यूक्लियस और ट्यूब सेल. एनदर स्मॉलर जेनरेटिव सेल. देयर इज नो डिस्टिंक्ट सेल वॉल बिटवीन दिस टू सेल. दुटा सेल मधे कौन सी सेल वॉल फॉर्मेशन है नहीं. बोथ द सेल आर बाउंड बाय द सेल मेम्ब्रेन ओनली. ए टेम्पररी कैलोस वॉल. ए टेम्पररी कैलोस वॉल इज लेड डाउन बिटवीन द वेजिटेटिव एंड जेनरेटिव सेल. द कैलोस वॉल स्प्रेड बिटवीन द जेनरेटिव सेल एंड इन टाइम टू फाइनली पिच द जेनरेटिव सेल ऑफ. द कैलोस वॉल देन डिजॉल्व एंड जेनरेटिव सेल लाइज फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म. द कैलोस वॉल देन कौन कर डिजॉल्व हो जाए जितेबले कि फ्रीली साइटोप्लाज्म रे जेनरेटिव सेल मूव कर. द साइटोप्लाज्म ऑफ द जेनरेटिव सेल इज मोस्ट हायलाइन एंड डज नॉट कंटेन्स मोस्ट ऑफ स्टोर फूड. द स्ट्रक्चर ऑफ जेनरेटिव सेल इज रिलेटिवली यूनिफॉर्म. इट मे बी एलिप्टिकल और लेंटिकुलर और इवन स्पिंडल सेल. The elongated form of generative cell, however, facilitates its passage through the pollen tube. जोटा कि कौथे help करुच्छे ना facilitated its passage through pollen tube. Then आम क्या विषय पढ़िले ना larger vegetative and generative nucleus विषय पढ़िले. तो next से कौन कहुच्छे ना the larger vegetative cell contains various store food such as fat
and some protein granules. Now the microspore contains two cells such as vegetative and generative cell. Generative cell and vegetative cell of characteristics bhi kahila, then form hegala first mitotic division completed, then second mitotic division show kariba. It is usually a two cell stage jure ki tamanak mu koi sarichi eko underline kara ki kon dichi na it is usually at its two cell stage the microspore are liberated from the microsporangia of the anther up to the stage development of male gametophyte is said to be under pre pollination stage kwa jae to sera diagram re bhi se dekhe dichi प्रीवियस पेज रे जो डायग्राम अच्छी देख इटी ए रे से कहार स्ट्रक्चर देखी गोटे पोलन ग्रेन रक्चर देखी जोटी की सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट अच्छी देन साइटोप्लाज्म एंड वेक्यूल्स जेहेतु मेच्योर पोलन ग्रेन रे वेक्यूल्स प्रेजेंट थाए देन आउटर लेयर इज कॉल्ड एक्साइल एंड इनर वॉल इज कॉल्ड इंटाइन देन न्यूक्लियस डिवाइड होची को प्रोसेस रे ना माइटोटिक प्रोसेस रे एंड गिव्स वन वेजिटेटिव जोटा कि लार्ज इन साइज एंड एनदर जेनरेटिव सेल जोटा कि स्मॉल इन साइज द फर्स्ट माइटोटिक डिविजन कंप्लीटेड देन सेकेंड माइटोटिक डिविजन रे कौन करुची ना सेकेंड माइटोटिक डिविजन रे कौन करुची आम जोटो पढ़ा सेटा पोस्ट पॉलिनेशन रे देखिबा तो सीटा जेनरेटिव सेल फर्दर डिवाइडेड एंड गिव्स टू मेल गेमेट्स देन से पोलन ट्यूब फर्मेसन करो पार्ट्रु फर्मेसन करवा ना जम पोर जोटी प्रेजेंट अच्छे ये भी से देख स्ट्रक्चर देखी तुमको कहार स्ट्रक्चर ना पोलन ट्यूब्र स्ट्रक्चर जो पोलन ट्यूब्रे फर्स्ट देख कौ पार्ट एंटर कर फर्स्ट वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंटर कर देन टू मेल गेमेट्स एंटर कर देन आउ गोटे जिनस तुम्हें देखिपार आफ्टर एंटरिंग मेल गेमेट्स एंड वेजिटेटिव न्यूक्लियस एठी आउ गोटे पार्ट फॉर्मेशन होची दैट इज कॉल्ड कालोस प्लग कौन कहा जाए ना कालोस प्लग कहा जाए आफ्टर एंटरिंग मेल गेमेट्स एंड वेजिटेटिव न्यूक्लियस नेक्स्ट आम देखा कि कौ जिन लिखाई ना आम जानले कि पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट कौन कर ना पोस्ट पॉलिनेशन व्हेन द माइक्रोस्पोर ऑफ द पोलन ग्रेन्स और पोलन ग्रेन्स फॉल ऑन द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल तो स्टिग्मार स्ट्रक्चर ये से देखे देखिए स्टिग्मा सरफेस रे कंप्लीटली पड़ा कौन पड़ू ना पोलन ग्रेन्स पोस्ट पॉलिनेशन चेंज ऑकर्स स्टिग्मा रे ऑकर्स होची ना द पोलन ग्रेन्स अब्सॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट कौन अब्जर्व करुची ना वाटर एंड न्यूट्रिएंट अवेलेबल ऑन द स्टिग्माटिक सरफेस द इंटाइन ऑफ द पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस आउट वन ऑफ द जम पोर तो वन ऑफ द जम पोर जी की कौन फॉर्मेशन करुची ना पोलन ट्यूब फॉर्म द पोलन ट्यूब पीसेस द स्टिग्माटिक सरफेस एंड मूव डाउन थ्रू द स्टाइल ऑफ द पिस्टिल Now, in generative cell, the nucleus divide mitotically to form two male nuclei, which becomes surrounded by a thin cytoplasmic sheath and appear as distinct non-motile male gametes. So, motile hi na thay? Kon hi thay? Mane rakhibo ye gote points ko na non-motile hi thay. देन से कौन कहुची देन कहुच कि सिंस देयर इज नो सेल वॉल इन द मेल गेमेट्स दे मे बी कॉल्ड नेकेड भी आम कहपर देन द न्यूक्लियस ऑफ द जेनरेटिव सेल माइग्रेट्स टू पोलन ट्यूब एवं न्यूक्लियस जेनरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल कौट को माइग्रेट कर पोलन ट्यूब को द फॉर्मेशन ऑफ मेल गेमेट्स मे ऑकर्स प्रायर टू फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब This three-celled male gametophyte remains viable for the short time. As pollen tube elongated, the distal part highly vesiculated and becomes separate from the anterior part containing three nuclei by formation of callus plug.
by formation of callus plug. Then the male gametophyte is flowering plants is a highly reduced structure. A highly reduced word तुम्हें कौटि पढ़ी ना gymnosperm and angiosperm जो plant kingdom रे पढ़े से angiospermic plant रे नमाली कौन था ना highly reduced ही था।